नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द संरचना। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, जैसे गार्ड, झंडी, कुली, चाय वाला आदि। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट आदि। तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि से आग, चंद्र से चांद, रात्रि से रात, हस्त से हाथ, घट से घड़ा आदि शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा आदि। अब हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। तो बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, देव धन दूत बराबर देव दूत। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला धन कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिवजी। पंक धन जा बराबर पंकज, पंक मतलब कीचड़, जा का अर्थ होता है जन्मा अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।